अब तक आपने देखा शहंशाह बाबर माया देवी को रामा से प्रतियोगिता करने को कहते हैं। दोनों में से किसी को भी न हारता हुआ देख शहंशाह प्रतियोगिता रोक रामा को बताते हैं कि अगर माया देवी हारी तो उनका गांव गुलामी की जिंदगी जिएगा। माया देवी रामा पर व्यंग कसकर प्रतियोगिता पुनः आरंभ करती है, परंतु माया देवी के गाँव की रक्षा हेतु रामा उनके व्यंग का जवाब नहीं देता। अब आगे, लेकिन यह मुकाबला था पूरे दरबार को हंसाने का, लेकिन तुमने तो सबको रुला दिया, सबकी आंखें नम हो गई। इसलिए हमें यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि पंडित रामकृष्णा तुम नाकामयाब रहे। यह तुम्हारी हार है और माया मोहतरमा की जीत। माया मोहतरमा, आज के बाद हम तुम्हारे गांव को आजाद करते हैं। अब उन पर हमला कभी नहीं होगा, हम खुद उनकी हिफाजत करेंगे, उनसे कोई लगान भी नहीं वसूलेगा। तुम सभी, तुम्हारी बहन मोहनी, उनके गुरु, तुम सब अपनी मर्जी से अपने रीति रिवाजों के साथ जिंदगी बसर कर सकते हो। पंडित रामकृष्णा, अब यह मुकाबला यहीं मुकम्मल होता है और तुम्हारी हार का नतीजा यह है कि कल विजयनगर पर हमला जरूर होगा। और हां, आखिर में बस हम इतना कहेंगे कि पंडित रामकृष्णा मुकाबला तो नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने सारे मुगल दरबार का दिल जीत लिया और इसके लिए हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं और यह ऐलान करते हैं कि तुम और तुम्हारे ये साथी विजयनगर लौटने के लिए आजाद हैं। तो पंडित रामकृष्ण, आज रात होने से पहले तुमको यहां से निकलने का हुक्म दे रहे हैं, वरना तुम जानते हो कि अंजाम क्या हो सकता है। पंडित रामकृष्ण जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं माया देवी जी? आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो अपने गांव के लिए बाबर तक से टकरा गई। आप वास्तव में महान हैं। गर्व है हमें कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में पंडित रामकृष्ण का जन्म हुआ। मेरी बहन मोहिनी ने बहुत कुछ बताया था आपके बारे में, परंतु आप उससे कहीं ऊपर हैं। संपूर्ण हृदय से शुभकामना करते हैं आपकी सफलता की और आशा करते हैं पुनः भेंट होगी। पंडित रामकृष्ण, हमने सदैव तुम्हें हराने का प्रयास किया, परंतु जब प्रयास में सफल नहीं हो पाए तो ईश्वर से तुम्हारी हार की प्रार्थना की, परंतु इस बार हम तुम्हारी जीत तुमसे अधिक चाहते थे। फिर भी मनुष्य यूं तो जीवन में बहुत बार हारता है, परंतु कुछ समय बाद स्वयं को समझा लेता है और संतोष कर आगे बढ़ता है। परंतु इस पराजय ने हमारा मान सम्मान, हमारा हृदय, सब कुछ पराजित कर दिया। संतोष करें तो कैसे करें,
ये मात्र तुम्हारी हार नहीं है पंडित रामकृष्ण, समस्त विजयनगर की हार है, क्योंकि अब हमला होगा और विजयनगर को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पराजय से हमारे भविष्य का आधार ही भूकंपित हो गया है। हमारे लिए प्रतीक्षित महाराज कृष्णदेव राय को क्या उत्तर दें? अब भगवान ही जाने भविष्य में क्या होगा। गुरुवर, मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वो स्वयं अपनी हार स्वीकार ना कर ले, क्योंकि जब तक प्रयास जारी है तब तक पराजय नहीं हो सकती। प्रयास से तो परमेश्वर तक को पाया जा सकता है, फिर विजय क्या चीज है? हर पराजय को विजय में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि कोई मन से हार ना माने तो। लगता है तुम अभी तक पराजय के आघात से बाहर नहीं निकल पाए हो। कितनी रात्रि हो चुकी है, पराजय से बाहर आने की सोचो। समय की पुकार है कि शीघ्र विजयनगर पहुंचकर महाराज की सहायता करें। और ये मत भूलो पंडित रामकृष्णा की शहंशाह बाबर ने यहां से शीघ्र निकलने की चेतावनी दी है। गुरुवर, बाबर इस वक्त क्या कर रहा होगा? मणि, पंडित रामकृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर तू ही दे। परंतु मैं क्यों दूं, मुझे क्या पता? किंतु मुझे पता है, इस समय शहंशाह बाबर रात्रि का भोजन कर रहा होगा। नहीं, मैं इस समय की नहीं, मैं उसकी दिनचर्या के विषय में बात कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर उसका दिवस कैसा रहता होगा? कैसा रहता होगा? सुबह उठता होगा, शहर के लिए निकलता होगा और दरबार जाकर दो चार को फांसी पर लटकाने का आदेश देता होगा। क्या कहा आपने गुरुवर? सैर पर जाता होगा। अरे पंडित रामकृष्णा, वो सैर करे या चिड़ियों को दाना चुगाए, हमें क्या लेना देना है? हमारे लिए तो चिड़िया खेत चुक चुकी, अब जो होना था हो चुका। सो जाइए, आप सो जाइए। जल्ला कर दो मुंह धोने हेतु। अरे वरुण माला यहां कहां होगी? मैं तो पंडित रामकृष्ण भी नहीं, कहां गया? अरे मूर्ख उठो, गुरु उठ गया, मूर्ख अभी तक निद्रा में घुसे पड़े। पंडित रामकृष्ण कहां गया होगा? गुरुजी, कहीं पंडित रामकृष्ण हमें छोड़कर दूसरे राज्य तो नहीं भाग गए? कहीं दूसरे राज्य में जाकर दरबार में एक स्थान प्राप्त करने के लिए गायब हो गए हो पंडित रामकृष्ण? हाँ गुरुजी, इस संभावना तो इसी बात की है, क्योंकि इस वक्त की तो सारी कहानी समाप्त हो चुकी है। शाह, आप हम मुलाजिमों पर रहम बरसा रहे हो। अल्लाह आपको वो नूर अदा फरमाए कि आपको कभी किसी के रहम की जरूरत ना पड़े। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह।
पीर बाबा, शहंशाह बाबर तशरीफ लाए। जहां पना किसान में फकीर का आदाब। आदाब। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? अच्छा सलामत, बीज बो रहा हूँ, एक दिन ये आम का दरख्त बनेगा। बाबा, आज आप इस उम्र में बीज बो रहे हैं, कल ये बीज एक बूटा बनेगा, फिर सालों बाद दरख्त बनेगा, तब जाकर इस पर फल आएंगे। अल्लाह ना करे तब तक आप तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। जी हाँ, आप जो इस उम्र में इतनी मेहनत करके ये पेड़ लगा रहे हैं, ना तो आपको इसकी छाया मिलेगी और ना फल। जहाँ पना किसी अच्छे कार्य को करने के लिए नेक नियत की जरूरत होती है, बस उसी नियत के सहारे ये काम कर रहा हूँ। फिर भले ही मुझे इस दरख्त की छाया और फल मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और को भी ये फल और छाया मिलेगी तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। वाह बाबा, आपकी नेक नियति और मेहनत दोनों ने दिल जीत लिया हमारा। ये लीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए इनाम। अल्लाह, ये तो करिश्मा ही हो गया। जहाँ पना अभी तक तो दरख्त ने जमीन से बाहर मुंह भी नहीं निकाला और मुझे तो फल भी मिल गए। बाबा, हम आपकी अकलमंदी पर बहुत खुश हुए हैं। ये लीजिए, ये नजराना आपकी अकलमंदी के लिए, लीजिए। ला ला, ये तो करिश्मा पे करिश्मा। जहाँ पना एक दरख्त एक साल में फलों की एक ही फसल देता है, लेकिन मुझे तो एक बार में दो दो फसलों की खैरात बख्श दी गई। तीन बार हो गया जहाँ पना। क्या तीन बार हो गया बाबा? आशा सलामत, तीन बार हंस दिए। हाँ तो देखा शहंशाह, आखिरकार मैं जीत ही गया। मैं आपको हंसाने में सफल हो ही गया। दरबार के बाहर ही सही, लेकिन ये शर्त नहीं रखी गई थी कि दरबार के भीतर ही हंसाना है। गुस्ताखी, शहंशाह बाबर के साथ गुस्ताखी। ये जाहिल यहाँ खड़ा है और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे खड़े हो। आप भी जहां पना, अब आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अब तो आपको हंसी आ ही गई ना वजीर। देख लिया पंडित, तुम्हारी वजह से हमारा खौफ इन लोगों ने दफन कर दिया। इनकी अक्ल और जबान दोनों चलने लगे। तुमने जिंदगी में इतनी दौलत देखी भी नहीं होगी जितनी हम तुम्हें बख्श देंगे। हम तुम्हारे खानदान को भी हमले के दौरान पूरी हिफाजत से निकाल कर ले आएंगे। ठीक है जहां पना, आप मेरे परिवार को यहाँ सुरक्षित बुला लीजिए, फिर मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही फैसला किया तुमने पंडित, बिल्कुल सही। दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाना जरूरी है। वजीर मलिक, इनके खानदान का तफसील से ब्यौरा ले लो और उन्हें पूरी हिफाजत के साथ आगरा ले आओ। जी हुजूर। बस मुझे कुछ 25 सहस्त्र घर, परिवार के सदस्यों के लिए खाने पीने का सामान और एक महल चाहिए।
लेकिन दिया पंडित, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब दिया, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे दरबार का खास लतीफा खोर बनना होगा। अवश्य जहां बना अवश्य, बस मेरे परिवार के 250,000 लोगों को यहां बसा दीजिए और मेरे परिवार के मुखिया को ससम्मान नतमस्तक होकर आप स्वयं शहंशाह बाबर विजयनगर से आगरा ले आए, उसके पश्चात आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। 250,000 लोग और आपके खानदान के, क्या क्या कहा आपने? और हाँ, मुखिया कौन है? पूरा विजयनगर मेरा परिवार है शहंशाह, और मेरे परिवार के मुखिया हैं मेरे महाराज श्री कृष्णदेवराय। यदि आप उन्हें यहां ले आए तो मैं आपके दरबार का शान बनने के लिए तैयार हूं, किंतु जरा ध्यान रखिएगा, तलवारबाजी में अत्यंत कुशल है महाराज, उन्हें संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। इनसे जीतना मुश्किल है, तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ वो हुनर है जिसकी वजह से कोई भी तुमसे किसी भी मुकाबले में या बहस में जीत नहीं सकता। तुम जैसा वतन परस्त अगर किसी रियासत को मिल जाए तो उस रियासत का मुस्तकबिल संवर जाए। तुम्हारी वजह से मुझे महाराज कृष्णदेव राय से जलन हो रही है। आखिर एक सच्चे वतन परस्त के आगे हमें मानना ही होगा कि हम हारे और तुम जीते। आखिर तुमने हमें सिखा ही दिया पंडित के अक्ल बड़ी होती है ताकत से। मनवाई ली हमसे अपनी बात पंडित रामाकृष्ण, हम तुम्हें अपने सल्तनत की शान तो बना लें, लेकिन तुम्हारे दिल में महाराज कृष्णदेव राय की जगह नहीं ले पाएंगे। इसलिए दिया तुम्हें विजयनगर, दी तुम्हें तुम्हारी आजादी। हमारे जीते जी अब विजयनगर पर हमला कोई नहीं करेगा। धन्यवाद शहंशाह, कोटि कोटि धन्यवाद। पंडित रामाकृष्ण, अब आप जल्द से जल्द यहां से निकल जाएं, इससे पहले कि शहंशाह का दिल बदल जाए आप निकल जाइए। वजीर मलिक, इनकी वापसी की तैयारी करो और महाराज कृष्णदेव राय के लिए खास पैगाम जरूर भिजवाना। पंडित, हमसे गले नहीं मिलोगे? एक पंडित और एक सुल्तान का गले मिलना, यही तो है हमारी गंगा जमुना की तहजीब। सोने पे सुहागा रामा की बुद्धि और उसकी रीत है, ना मानो कभी हार, यही तो उसकी जिद है। लेकर आता है वो भी खुशियां अपने ही अंदाज में, जैसे कि रमजान का हर दिन हर जुम्मा और ईद है। आप सभी को ईद मुबारक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.